किस मिट्टी कहूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। इस्लाम की जन्मभूमि में जो जन्मा हो, हिंदुस्तान की मिट्टी में पला बढ़ा हो, दिलो दिमाग से जिसने इस्लाम के सही मायने को समझा हो, जाना हो और जिंदगी में उसे उतारा हो, जिसकी राह जन सेवा की भावना के साथ जन कल्याण के लक्ष्य की ओर जाती हो और जिसके जिस्म में वतन परस्ती और राष्ट्रवादिता की महक बसी हो, वो नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय इतिहास का वो दौर जब बंदूक, तलवार, तोपों और बड़े बड़े हथियारों से क्रांतिकारी स्वाधीनता की जंग लड़ रहे थे, तब उसी दौर में हथियारों से परे एक अलग ही ढंग से आजादी की अलग जगाने का जिम्मा लिया अनूठी सोच वाले भारत के सच्चे सपूत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। धन्य है भारत जिसकी सेवा की जिम्मेदारी उठाई मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। उन्होंने मानव धर्म को सर्वोपरि माना, राष्ट्रवादिता की मशाल थाम वो सबको साथ लेकर जन सेवा और कल्याण के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनके नाम का एक एक शब्द उनकी व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। सूफियाना मिजाज मिला सऊदी अरब की पवित्र माटी में जन्म लेने और इस्लाम के ज्ञाता होने के कारण, तभी तो नाम के साथ जुड़ा मौलाना। 11 नवंबर 1888 को फारसी मूल के पिता और अरब मूल की मां के घर जन्म हुआ था मौलाना अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद का। एक आदर्श पुत्र के सभी गुण मौजूद होने की पुष्टि हुई जब नाम के साथ जुड़ा अबुल कलाम। और कलाम ही अदब और शायरी के प्रति उनके रुझान को भी अभिव्यक्त करता है। और फिर राष्ट्रवादिता की मशाल को थाम अपनी कलम को, अपने विचारों को आजादी के जनजागरण का अस्त्र बनाकर भारत की आजादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से आगे रहे, नाम के साथ जुड़ गया आजाद। जाने माने इतिहासविद और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यूपी अरोड़ा। सरोजनी नायडू ने जैसे उनके बारे में कहा था, मौलाना आजाद जो पैदा हुए उनकी आयु 50 वर्ष की थी। 1888 में उनका जन्म हुआ, 1958 में मृत्यु हुई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी आयु जो है 50 वर्ष की थी? पता नहीं उसमें क्या देन थी। कहा जाता है कि 9 वर्ष की आयु में उन्होंने कुरान का पूरा अध्ययन कर लिया था। जब वो 12 वर्ष के थे तब उन्होंने एक कोई रिसाला निकाला था, और इतनी विद्वता इतनी कम आयु में हम कैसे उन्होंने हासिल कर ली। उनके पिताजी जो थे उनको जो है सारा ज्ञान उन्होंने उनको दिया। उन्होंने मौलाना आजाद को घर पर ही रखा और घर पर ही सारी पढ़ाई उन्होंने की। मौलाना आजाद के जीवन पर प्रभाव रहा उस गंभीर और गहन अध्ययन का जो उन्होंने प्राप्त किया काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय में। उनका उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। सूफियाना अंदाज उन्हें विशिष्टता प्रदान करता। इस्लामिक स्कॉलर के रूप में दुनिया ने उन्हें पहचाना। अबुल कलाम का आध्यात्मिक दर्शन कुछ इस तरह का था। जिस क्षण मैंने अपने पहले प्रेम को महसूस किया, मैं तुम्हारी ओर देखने लगा, बिना ये जाने कि वो कितना ब्लाइंड था। अंततः प्रेमिक कहीं न मिले, वो हमेशा एक दूसरे में है। ये गुण उन्हें विरासत में मिले थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और संस्कारों का उन पर गहरा प्रभाव था। पिता अदीब थे और बेहद सूफियाना मिजाज भी। मौलाना आजाद ने इस्लाम को राष्ट्रवाद से जोड़ा और इस तहजीब की रोशनी को वो आम मुस्लिम देशवासियों के साथ साथ अन्य भारतीय जनों तक भी लेकर गए। वतन परस्ती उनकी नस नस में बसी थी। मौलाना आजाद प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक थे। अपने इस्लाम के अध्ययन को उन्होंने जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता के साथ जोड़ा। ये मानना है रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
डॉक्टर मोहम्मद इसरार खान का। जिस तरह से कि मौलाना आजाद की परवरिश हम सब जानते हैं कि एक सूफी परिवार में हुई, कि उनके वालिद साहब और कई पीढ़ियों से लगातार उनके यहाँ पर एक तसव्वुफ का सिलसिला चला आ रहा था, और वो सारा जो उनके जो तालीम थी तसव्वुफ की, जैसे कि आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और लोगों की फलाह बहबूद, वो तमाम तरह की जो वैल्यूज थी वो मौलाना की अपनी शख्सियत में बचपन से शामिल होती चली गई। और हम ये देखते हैं कि उनके पूरे उस फ्रीडम स्ट्रगल में, उनकी पूरी पर्सनैलिटी में, पूरी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो सूफी असर दिखाई पड़ता है। मौलाना की जंगे आज़ादी में शामिल होने के बाद जो शख्सियत सामने आती है, वो भी एक इस तरह की शख्सियत सामने आती है जो ख्यालात से सूफी है, जैसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, और जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए उस जंग में शामिल होता है और अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी अबुल कलाम में, और उनका जिंदगी का अजीब गरीब फलसफा था, खुद को खुदा का बेटा मानकर ही जीवन जिया आजाद ने। ईश्वर का बच्चा होने के नाते मैं उन हर घटनाओं से बड़ा हूं जो मेरे साथ जिंदगी में घट सकती हैं। मौलाना आजाद इस धारणा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि राजनीति में सफल होने के लिए नैतिक मूल्यों को ताक पर रखना पड़ता है। उन्होंने स्वार्थपरक और अवसरवादी राजनीति का घोर विरोध किया। वो सांप्रदायिक राजनीति के धुर विरोधी थे। यही कारण था कि वे मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा, उनकी राजनीति और मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करते थे। कई बार मौलाना और जिन्ना के मतभेद खुलकर सामने भी आए। हिंदू मुस्लिम एकता उनके लिए सबसे अहम मिशन था। उन्होंने कहा भी था, अगर एक देवदूत स्वर्ग से उतरकर कुतुब मीनार की ऊंचाई से ये घोषणा करता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को नकार दें, तो 24 घंटे के भीतर स्वराज तुम्हारा हो जाएगा, तो मैं इस स्वराज को लेने से इनकार करूंगा, लेकिन अपने रुख से एक इंच भी नहीं हटूंगा, क्योंकि स्वराज से इनकार सिर्फ भारत को प्रभावित करेगा, लेकिन हमारी एकता की समाप्ति से हमारे समूचे मानव जगत को हानि होगी। मौलाना आजाद ने लोगों को यह भी समझाया कि धर्म के नैतिक आग्रहों की अनदेखी कर धर्म का विधिवत पालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बड़े ही खूबसूरती से इस्लाम को राष्ट्रवाद से जोड़ने में सफलता प्राप्त की। आजादी के संघर्ष में मुस्लिम देशभक्तों की भागीदारी को उन्होंने नई ऊर्जा दी, मतभेद समाप्त किए और समाज को दी एकता की एक नई परिभाषा। मौलाना आजाद की इस विचारधारा का प्रभाव सभी पर पड़ा। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग उनके पक्ष में आ गए। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर मधुरेश, उनकी जो राजनीति थी, उनकी उस राजनीति में, क्योंकि वो इस्लामिक विद्वान थे और उनकी राजनीति में इसलिए कुछ नैतिक आग्रह थे, और नैतिकता और राजनीति की व्यवहारिकता का एक ऐसा सामंजस्य उनकी राजनीति में हमें दिखाई देता है। मौलाना आज़ाद किसी भी रूप में कांग्रेस में मुसलमानों के प्रतिनिधि का मुखौटा नहीं थे, वे वहाँ फर्स्ट रैंक के नेताओं में शामिल थे। गांधी, पटेल और नेहरू, इन लोगों के साथ में उनका वो था। देश के हित और राष्ट्रीय संरक्षण के लिए जो काम किया वो आज भी इतिहास में अमर है। मौलाना आजाद के समय में राजनीति पर धर्म और जाति का गहरा प्रभाव था, सभी की अपनी छवि थी। उन्होंने सदैव धर्म और जाति से ऊपर उठकर राजनीति की, राष्ट्रीय सरोकारों को सर्वोपरि रखा। मौलाना आजाद भारत के विभाजन के भी सख्त विरोधी थे। उनका मानना था कि देश का विभाजन न तो देश के हित में है और न ही मुसलमानों के। वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, कहते भी थे, यही एकता तरक्की और खुशहाली लेकर आएगी, इसलिए जरूरी है कि छोटे छोटे धार्मिक मतभेदों के कारण अपनी एकता को प्रभावित न होने दें। इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में देश की आजादी को लेकर उनका नजरिया स्पष्ट था। उनकी दृष्टि में देश की आजादी और उनके धर्म में कोई अंतर विरोध नहीं था।
प्रोफेसर इसरार खान इस बारे में कहते हैं, मौलाना का तमाम जो किरदार है, जो घूमता है तमाम उस फ्रीडम स्ट्रगल में, एक बिल्कुल नुमाया पर्सनालिटी निकल कर हमारे सामने आती है जो दूसरों से बहुत अलग है। मौलाना का अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक विचारधारा है और उसमें कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कहीं इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के साथ कोई समझौता नहीं। अभी देश आज़ाद भी नहीं हुआ था कि भिन्न भिन्न विचारधाराएं देश के भावी स्वरूप को गढ़ रही थी। जहाँ एक ओर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा थी तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस्लामिक देश का सपना देख रहे थे। जहाँ वामपंथी विचारधारा का प्रभाव था तो एक वर्ग समाजवादी सिस्टम का पैरोकार था। पाकिस्तान तो इस्लामी राष्ट्र की अवधारणा के साथ अलग हो गया, पर हिंदुस्तान के सामने भिन्न भिन्न विचारधाराओं के दबाव की चुनौती थी। आजादी पाने हेतु अबुल कलाम की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। शिखर तक चढ़ने के लिए शक्ति चाहिए, चाहे वो एवरेस्ट की चोटी हो या फिर करियर की ऊंचाई। अपने ध्येय को पाने के लिए लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित समर्पण आवश्यक है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजाद हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग थे जिन्हें पहला होने का खिताब मिला, और मौलाना आजाद भी उनमें से हैं जो इस मुल्क के आजाद मुल्क के पहले शिक्षा मंत्री वजीर तालीम हुए। और अपने उनके कंधे पर उस समय एक बड़ा भार था, बड़ा वजन था इस बात का कि हिंदुस्तान में एक नई तालीम की बुनियाद कायम की जाए, एक नए, और उन्होंने उसमें जैसे एक आम बात है कि बहुत सारी उस समय इंस्टीट्यूशंस खोले गए, दैट वाज ए पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। स्वाधीन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनका पहला लक्ष्य था शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे भारत के भविष्य का निर्माण जहां देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और विविधता संग एकता दोनों ही बने रह सकें, और वो इसमें पूर्णतः सफल भी रहे। शिक्षकों और शिक्षार्थियों का अबुल कलाम ने आह्वान किया जो आज भी प्रासंगिक है। शिक्षकों को चाहिए कि वो छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, उद्यमिता और नैतिक लीडरशिप का निर्माण करें और उनके लिए रोल मॉडल बने। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्हें चुनौतियों और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी अंदाजा था। उन्हें विश्वास था कि वो शिक्षा के जरिए देश को सौहार्दपूर्ण विकासोन्मुखी दिशा दे पाएंगे। उन्हीं के चिंतन और मंथन से 11 वर्षों की अथक मेहनत के बाद अस्तित्व में आई राष्ट्र की शिक्षा नीति। स्वतंत्र लेखक और इतिहासविद डॉक्टर रणजीत पांचाल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आजाद का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने इस देश में लोगों के अंदर समावेशी भावना को मजबूत किया। आजादी के बाद भारत विभाजन का घाव लोगों के दिलों में मौजूद था, सांप्रदायिक नफरत काफी हद तक लोगों के मस्तिष्क में विद्यमान थी, जिसको मिटाना एक शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आजाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। मौलाना आजाद ये जानते थे कि भारत जैसे बहुधार्मिक बहुजातीय देश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना, इस देश की एकता को अक्षुण बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक में सामाजिक समावेशी भावना प्रत्येक नागरिक में विद्यमान रहे। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से ही लोगों के अंदर से सांप्रदायिकता की भावना को दूर करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त शिक्षा पद्धति को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया। इस देश के नौजवानों को देश के भीतर ही उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जैसे संस्थानों की स्थापना की। मौलाना आजाद ने इस देश में साहित्य और कलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की उन्होंने स्थापना की। देश में आईटीआई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना का श्रेय तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही जाता है। ये उन्हीं की रखी बुनियाद है जिस पर देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की भव्य इमारत खड़ी है। मौलाना आजाद कभी भी देश का विभाजन नहीं चाहते थे। उनकी व्यक्तित्व पर गांधीवाद का प्रभाव था। विभाजन का दंश उनके लिए असह्य था, परंतु पीड़ा को अंतर्मन तक ही सीमित रखते हुए मौलाना देश के नए भविष्य के निर्माण की ओर चल पड़े। मौलाना आजाद स्वयं एक शिक्षाविद, शायर और अदीब थे। गुबारे खातिर उनकी एक सर्वाधिक चर्चित
और लोकप्रिय किताब या फिर कहें कि संकलन है उन पत्रों का जो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए लिखे। ये खत उनकी अंतरात्मा के स्वर हैं, गवाह हैं उनकी पीड़ा के जो उन्होंने भोगी आजाद देश के विभाजन और हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ती दूरियों से। उनकी और भी अनेक पुस्तकें आईं, जैसे हिजरो विसाल, खतबात ला आजाद, हमारी आजादी, तस्करा आदि। लेकिन उनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय रही, भारत में ही नहीं विश्व भर में। अदब और शायरी में भी उनका गहरा दखल था। उनकी मान्यता थी कि संगीत का इंसान से ऐसा रूहानी रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना था कि जो व्यक्ति संगीत से स्पंदित नहीं होता वो आध्यात्मिकता से दूर है और पक्षियों तथा जानवरों की तुलना में सघन है, क्योंकि सभी संगीत की मधुर ध्वनियों से प्रभावित होते हैं। उन्होंने एक गजल में लिखा भी है। रामपुर से मौलाना अबुल कलाम आजाद का दिली रिश्ता था। वो रामपुर से पहले सांसद रहे थे, ये इस जिले का सौभाग्य रहा। अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं और योगदान के कारण ही मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी थे जो सदैव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे। राष्ट्रवाद और इस्लाम के अद्भुत समन्वय का उदाहरण बनकर भारत की शिक्षा को एक नया आयाम देते हुए सबको साथ लेकर चलते हुए। मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। मैं एक अविभाज्य भारत का हिस्सा रहा हूँ जो कि एक भारतीय राष्ट्रीयता है। मैं इस भव्य संरचना का अपरिहार्य अंग हूँ और मेरे बिना ये शानदार संरचना अधूरी है। मैं एक आवश्यक तत्व हूँ जो भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है और मैं अपने इस दावे को कभी खारिज नहीं कर सकता। अबुल कलाम को गर्व था अपनी भारतीयता पर, जिन्होंने देश की एकता के लिए किया जीवन भर संघर्ष। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी अबुल कलाम बने एक मिसाल पूरे देश के लिए, एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तानी था, सिर्फ हिंदुस्तानी, जिसकी ख्वाहिश सिर्फ आजाद हिंदुस्तान था और सपना था आजाद हिंदुस्तान का नव निर्माण। अबुल कलाम आजाद की हर सांस में बसी थी खुशबू हिंदुस्तान की, माटी हिंदुस्तान की।